नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो बिजनेस पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूल नेटवर्क के बारे में, फ्यूल लैब के बारे में। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मॉड्यूल एग्जीक्यूशन लेयर, तो ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पे इसका ट्रांजेक्शन होता है। तो ये दोस्तों टेस्टनेट पे चल रहा है, तो आज हम इसके टेस्टनेट को ज्वाइन करेंगे, तो आप उसमें देख पाओगे कि इसका ट्रांजेक्शन कितना फास्ट है, ठीक है। और दोस्तों इन लोगों ने फंड रेज भी किया है, तो मैं आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा किस तरह से इन लोगों ने फंड रेज किया है। तो आप यहाँ पे नीचे आके देख सकते हो इसका सपोर्ट आर्ट, तो इस पे भी आप बहुत बड़े बड़े नाम देख सकते हो, वीसी का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन कैपिटल क्वाइन फंड बड़े बड़े नाम इसके साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप नीचे आके इसका सोशल मीडिया का लिंक आप, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्विटर पे क्लिक करके इसका ट्विटर जो प्रोफाइल है इसको आपको फॉलो कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन लोगों ने 1223 ट्वीट किया है और इसका फॉलोअर्स 42,600 फॉलोअर्स इनका है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने पोस्ट भी किया है, 15 नवंबर को पोस्ट किया था, अनाउंसिंग द बेटा 2 टेस्टिंग, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हो, और भी यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा आप अगर इसको यहाँ पे फॉलो करके रखोगे। तो इसको आप फॉलो कर लेना, उसके बाद आप यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे क्लिक करके इसके डिस्कॉर्ड पेज को भी आप फॉलो करके रखना, ठीक है, ताकि अपडेट इस पे आप अपडेट रह सको, ठीक है। तो अभी हम इसके जो फंड इन्होंने जो फंड रेस किया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्यूल लैब इन लोगों ने, और इसका जो वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पे देख सकते हो दिया गया है। तो इन लोगों ने यहाँ पे 81.5 मिलियन का यहाँ पे फंड रेस किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन लोगों ने जो अप्रैल का फंड रेस हुआ था उसमें इन लोगों ने 1.5 मिलियन का इन लोगों ने यहाँ पे फंड रेस किया था, और सितंबर में जो हुआ था इसमें इन लोगों ने यहाँ पे 80 मिलियन का इन लोगों ने यहाँ पे फंड रेस किया था। टोटल इन्वेस्टर आप यहाँ पे देख सकते हो 13 है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टर का भी नाम यहाँ पे डिटेल्स के साथ यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इस प्रोजेक्ट को टेस्टनेट पे ज्वाइन करेंगे, और ये आने वाले टाइम पे हमें अच्छा खासा बेनिफिट देके जा सकता है, ठीक है। 500 से 1000 डॉलर का आपको यहाँ से बेनिफिट हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो इसके प्रोजेक्ट को कैसे ज्वाइन करना है स्टेप बाय स्टेप आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे जब भी हम एडो को वीडियो अपलोड करें फर्स्ट में नोटिफिकेशन आपको मिले और आप घर बैठ के आपका नया कंटिन्यू रख पाओ। तो चलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसके तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट आपको इस साइट पे आना है, आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते इसका इसका जो एक्सटेंशन है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आपके पास कोई भी यहाँ पे ब्राउजर है तो उसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्रोम है, ब्रेव है, माइक्रोसॉफ्ट है और फायरफॉक्स है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक वीडियो दिया गया है, ठीक है, ऑलरेडी हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो इसको वॉलेट हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो कैसे आप यहाँ पे इसका वॉलेट आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपको डाउनलोड वॉलेट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। इसका ये जिप फाइल है, तो जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो 3 लाइन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डेवलप पर जो है उसको ऑन कर लेना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह से आ जाएगा फ्यूल वॉलेट। तो आपको यहाँ पे क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करना है, और आपका जो सीट फेस है उसको आपको किसी जगह पे लिख कर रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सीट फेस को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको इसका पासवर्ड जो है उसको आपको यहाँ पे टाइप करके आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पे वॉलेट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। वॉलेट क्रिएट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे पेज को एक बार रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आपको उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको इस हाउ टू यूज इस जगह पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद इस कनेक्ट जो लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। करना है कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद इसका ऑथराइज यहाँ पे मांगेगा, तो कनेक्ट आपको यहाँ पे क्लिक करके कनेक्ट कर देना वॉलेट, ठीक है। कनेक्ट वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे गेट अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पे एड्रेस वॉलेट का जो एड्रेस है, जो एड्रेस है वॉलेट का एड्रेस, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वॉलेट एड्रेस। उसके बाद फिर से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैसेज टू साइन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन मैसेज यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एक वॉलेट से साइन कर देना आपको, ठीक है। तो साइन करने के बाद यहाँ पे आपको इसका जो पासवर्ड है अपने वॉलेट क्रिएट करते टाइम पे जो पासवर्ड सेट किया था उसको यहाँ पे आपको टाइप करना है, टाइप कर देना है। उसके बाद अनलॉक पे क्लिक करना है, तो वॉलेट आपका अनलॉक हो जाएगा और इसका जो साइनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे इथेरियम का अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 0.40, उसके बाद 1। तो जब आप इसको वॉलेट करोगे तो उसके बाद आप वॉलेट जब ओपन करोगे तो यहाँ पे फॉसेट यहाँ पे लिखा रहेगा, तो आपको यहाँ पे फॉसेट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। फॉसेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 0.5 आपको इथेरियम यहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलने के बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपको इतना अमाउंट का आपको इथेरियम सेंड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह से आएगा। तो आपको यहाँ पे कॉन्फर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर से पासवर्ड टाइप करना है, तो उसको कॉन्फर्म कर देना है। तो ये आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ भी यहाँ पे कॉन्फर्म हो जाएगा। ट्रांजेक्शन कॉन्फर्म हो गया तो आप यहाँ पे सी ऑन ब्लॉक एक्सप्लोरर इस पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे आके आपका ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
तो इस तरह से इसका वॉलेट को आपको सेटअप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस साइट पे आना है, ठीक है। यह है इसका एक डेक्स है स्वैप स्वैप, इस साइट पे आना है। इस साइट पे आपको आके आपको वॉलेट इसका क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वॉलेट क्रिएट वॉलेट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके उसके बाद कैप्चा को वेरीफाई करना है आपको, कैप्चा वेरीफाई। तो उसके बाद कीप मी ETH इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, तो आपको यहाँ पे आया इस पे क्लिक करना है, गेट स्वैपिंग इस पे क्लिक करना, तो आपका यहाँ पे वॉलेट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें तो ये फिलहाल बीटा टेस्टिंग 1 पे चल रहा है, ठीक है। तो और आपको यहाँ पे 0.5 इथेरियम यहाँ पे आपको मिल चुका है, ठीक है। तो हमने जो पहले वॉलेट को क्रिएट किया और ये जो वॉलेट है दोनों अलग अलग वॉलेट है, ठीक है। तो इस पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फॉसेट मिल गया है और अभी आपको फॉसेट चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे जस्ट फॉसेट पे क्लिक करना है, ऐप नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करना, तो आपको यहाँ पे और भी आपको यहाँ पे फॉसेट मिल जाएगा, ठीक है। देखते यहाँ पे 0.5 था और यहाँ पे 1 हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्वैप करना है, तो यहाँ पे हम इसको डिसमिस कर देते हैं। स्वैप के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक ही टोकन मिलेंगे डाई, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 0.3 का हम यहाँ पे डाई ले लेते हैं। तो हम उसके बाद यहाँ पे स्वैप करते हैं, तो आप देखना कितना फास्ट है, स्वैप पे क्लिक कर दिए तो हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 336 यहाँ पे डाई आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या, यहाँ पे पूल पे क्लिक करना है। पूल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एड लिक्विडिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे डाई पे जो है डाई के नीचे यहाँ पे मैक्स लिखा है, तो आप यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे मैक्स पे क्लिक नहीं करना है इथेरियम के नीचे, ठीक है। आपको डाई के नीचे मैक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एड लिक्विडिटी है इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड हो गया, फिर से आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो ऐड पे क्लिक करना है, फिर से आप यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी कर सकते हो। आप अगर ये जो हमने लिक्विडिटी को ऐड किया उसको रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव पे क्लिक करके आपको मैक्स पे क्लिक करना है और रिमूव लिक्विडिटी पे क्लिक करना है, तो इसका जो लिक्विडिटी है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो टैक्स है उसको आपको यूज करना है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे फ्यूल नेटवर्क के ऊपर डेवलप कर रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सब अभी लाइव नहीं हुआ है, तो इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो बीच बीच में आके आप यहाँ पे चेक करिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे अपडेट देने की कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लाइव हो गया। तो दोस्तों इस तरह से फ्यूल लैब के जो टेस्टनेट है इसको आपको ज्वाइन करना है और हम आशा करते हैं कि फ्यूल लैब से हमें आने वाले टाइम पे अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहा, और दोस्तों अभी तक अपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के और पिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों जल्दी हम किसी दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।